क्रिकेट जहां भारत में एक धर्म की तरह है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में भी इस खेल के प्रति लोगों का जुनून देखते ही बनता है। भारत की तरह वहां भी लोगों के बीच क्रिकेट को लेकर एक अलग ही दीवानगी है। क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया को सबसे कामयाब टीम का दर्जा हासिल है, जिन्होंने सबसे ज्यादा 5 वर्ल्ड कप टाइटल्स जीते हैं। सबसे महान प्लेयर 99.94 की बैटिंग एवरेज रखने वाले सर डॉन ब्रैडमैन भी इसी टीम के लिए खेले। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की धरती ने एलन बॉर्डर, शेन वॉन, ग्लेन मैकग्रॉथ, रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन और ब्रेटली जैसे कई जबरदस्त क्रिकेटर भी वर्ल्ड क्रिकेट को दिए हैं, जिनकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इस खेल में अपना दबदबा हमेशा कायम रखा। लेकिन इतनी डोमिनेटिंग टीम को लीड करना क्या इतना आसान काम है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कप्तान बनना मतलब उस लिगेसी को अपने कंधों पर उठाना। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऐसे पोजीशन में होने पर पूरे देश की नजरें कैप्टन पर टिकी होती है। पर इस परफेक्ट टीम के प्लेयर ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे पूरे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिगेसी पर दाग लग गया। और इस गलती को करने वाले 3 खिलाड़ियों में एक ऐसा खिलाड़ी था जो न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कैप्टन था बल्कि उस वक्त टेस्ट क्रिकेट का नंबर 1 बैट्समैन भी, स्टीव स्मिथ। घर के बैकयार्ड में खेलकर बड़ा हुआ एक बच्चा जिसका बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी बड़ा इंटरेस्ट था। पर यह बड़ी ही दिलचस्प बात है कि एक समय वर्ल्ड के नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन का दर्जा हासिल कर चुके इस जबरदस्त क्रिकेटर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू साल 2010 में बतौर गेंदबाज किया था और अपनी कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से टीम में भी बना रहा। लेकिन इस दौरान वो समय समय पर अपनी बैटिंग टैलेंट से भी टीम मैनेजमेंट को अवगत कराता रहा, पर टीम मैनेजमेंट ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पर इसी साल खेले गए ऐसे सीरीज के दौरान स्मिथ ने 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर अपने बैटिंग टैलेंट को दुनिया के सामने रखा, जिसके बाद आखिरकार टीम मैनेजमेंट का ध्यान स्टीव स्मिथ की बैटिंग की तरफ गया और उन्होंने नोटिस किया कि ये लड़का एक अच्छा बैट्समैन बन सकता है। साल 2015 में हुए ऐसे सीरीज में स्मिथ ने कमाल की बैटिंग की और उसी साल स्मिथ को नवाजा गया आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का बैटिंग अब काफी डिपेंडेंट हो चुका था स्टीव स्मिथ पर। कई सारे ऐसे मैचेस भी हुए जहां स्टीव स्मिथ परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से टीम को हार मिली। स्टीव स्मिथ अब ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन चुका था। 2015 में स्टीव स्मिथ को मिली ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टेंसी। जो बच्चा कल तक घर के बैकयार्ड और गली में क्रिकेट खेल रहा था और जिसकी शुरुआत एक बॉलर के तौर पर हुई थी, अब वो अपने देश के क्रिकेट टीम की कमान संभालने वाला था। दशकों से ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड क्रिकेट में अपना दबदबा बनाते आई है। उनके क्रिकेट खेलने का तरीका भी बाकी टीमों से काफी अलग है। लंबे समय से नंबर 1 टीम रही ऑस्ट्रेलिया ने अपना डर बाकी टीमों पर हमेशा बनाए रखा। वो अपोनेंट टीमों को हराती नहीं थी बल्कि उन्हें कुचल डालती थी। यही कारण था कि अब ऑस्ट्रेलियन टीम अपने आप को उस मुकाम पर देखने लगी थी जहां उसे लगा कि उनकी गलतियां अब नजरअंदाज कर दी जाएंगी। पर खेल चाहे कोई भी हो, एक लाइन हमेशा होती है जो कभी लांघी नहीं जा सकती। कोई भी टीम या कोई भी प्लेयर गेम से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन 24 मार्च 2018 को कुछ ऐसा ही हुआ जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहा था टेस्ट सीरीज, जहां केप टाउन टेस्ट मैच के तीसरे दिन पर कैमरून बैंकॉक, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को बॉल टेम्परिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। क्रिकेट इतिहास में यह एक काला दिन था जिसमें कैप्टन स्टीव स्मिथ ने खुद इस बॉल टेम्परिंग की जिम्मेदारी ली और पूरी मीडिया के सामने ये बात कबूल भी की। पूरी दुनिया में इस न्यूज ने बवाल मचा दिया और आईसीसी ने भी इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए अपना एक्शन लिया। उन्होंने कप्तान स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर 1 साल और कैमरून बैंकॉक पर 8 महीने का बैन लगा दिया। एक पावरफुल क्रिकेट टीम का कैप्टन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोते हुए पूरे देश से माफी मांग रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने अपने देश को नीचा दिखाया है। पुलिस स्टीव स्मिथ को साउथ अफ्रीका से एक कैदी की तरह पकड़कर ले गई और उसके बाद उन तीनों पर क्रिकेट बैन लागू किया गया। स्टीव स्मिथ, जो बचपन से सिर्फ क्रिकेट के लिए ही जी रहा था, उसे अब 1 साल तक क्रिकेट से दूर कर दिया गया था।
उधर ऑस्ट्रेलियन टीम भी अपनी मर्यादा के साथ साथ अपना नंबर वन टेस्ट बैट्समैन भी खो चुकी थी। पूरी टीम का आत्मविश्वास अब गिर चुका था। ऑस्ट्रेलियन टीम जो पूरी दुनिया के लिए सबसे खतरनाक थी, अब सबके लिए एक मजाक बन चुकी थी। साल गुजर गया और नई ऑस्ट्रेलियन टीम भी तैयार हो गई, पर वो टीम अब भी बैटिंग में स्ट्रगल कर रही थी। कहते हैं ना कि हर इंसान एक दूसरा मौका डिजर्व करता है, और स्टीव स्मिथ भी वो दूसरा मौका डिजर्व करते थे। एक साल का बैन खत्म होने के बाद आखिरकार स्टीव स्मिथ को वो दूसरा मौका मिला इंग्लैंड के खिलाफ एसेज सीरीज में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसेज में जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होती है तो वो सिर्फ एक मैच नहीं होता, वो एक जंग की तरह होती है। जैसा भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट में राइवलरी है, वैसी ही राइवलरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी है। पर वैसे भी इस बार ऑस्ट्रेलियन टीम बैकफुट पर थी और उन्हें इंग्लैंड खेलने जाना था, जहां स्टीव स्मिथ का इंतजार अब पूरा इंग्लैंड कर रहा था कि वो कब क्रीज पर आए और स्लेजिंग और गालियों से स्टीव स्मिथ के कॉन्फिडेंस की धजिया उड़ा दे। कल्पना कीजिए उस दबाव का जो स्टीव स्मिथ के ऊपर बना हुआ था, और जो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पर स्मिथ के लिए यह इतना आसान नहीं होने वाला था। ग्राउंड पर जाकर रन बनाना तो दूर की बात, वहां लोगों के स्लेजिंग से ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी कांप उठते हैं, और यहां इंग्लैंड में तो स्लेजिंग के लिए हर कोई इंतजार कर रहा था स्टीव स्मिथ का। उधर ऑस्ट्रेलिया भी यह जानता था कि वह स्टीव स्मिथ ही है जो उनकी डूबती ऑस्ट्रेलियन टीम को बचा सकता है, और अब वो वक्त आ चुका था। पहला टेस्ट मैच हुआ एजबेस्टन में, जहां वैसे ही बैटिंग करना बड़ा मुश्किल था, और ऐसे हालात में पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने केवल 17 रन पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। अब बारी थी स्टीव स्मिथ की। पवेलियन से स्टीव स्मिथ ग्राउंड पर चलकर आए, वो स्कैंडल के सारे फ्लैशबैक, वो एक साल का बैन, वो हर दिन का गिल्ट उनके आंखों के सामने आ गया। स्टीव स्मिथ जो अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने के लिए केवल एक मौके की तलाश में थे, फाइनली वो पल आ चुका था। पर स्मिथ के ग्राउंड पर आते ही इंग्लैंड के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी उन्हें गालियां देने लगी, और हर तरफ चीटर चीटर के नारे से स्टेडियम गूंज उठा। पर स्मिथ जानता था कि वो बस अपने बल्ले से ही लोगों को चुप करा सकता है। अपने दिमाग को शांत रख वो बस खेलता रहा। हर एक बॉल जब स्मिथ खेल रहे थे, ग्राउंड और स्टेडियम में मौजूद हर एक इंसान स्मिथ को उनकी गलती का एहसास दिला रहा था। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलियन टीम बिखरने लगी, एक एक करके विकेट गिरने लगे। अब स्कोर हो चुका था 122 रनों पर 8 विकेट्स। पर अभी भी स्टीव स्मिथ क्रीज पर बने हुए थे। लोगों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। हर कोई चाहता था कि स्टीव स्मिथ फेल हो जाए, पर स्मिथ भी सरेंडर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा रख वो खेलते रहे। कल्पना कीजिए उस सिचुएशन की, जहां एक तरफ स्टीव स्मिथ अकेले खड़े हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया है जो उन्हें नीचा दिखाने का एक भी मौका गंवाने के मूड में नहीं है। पर ऐसी टफ सिचुएशन में भी स्मिथ एकदम शांत बने रहे और अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए उछल्ले बल्लेबाज पीटर सिडल के साथ मिलकर धीरे धीरे पारी को संभाला और पहुंच गए अपने 85 के स्कोर पर। अब पवेलियन में बैठा हर एक टीममेट यही दुआ कर रहा था कि स्टीव स्मिथ का शतक पूरा हो जाए। पर स्मिथ जैसे जैसे अपने शतक के करीब आते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके ऊपर इंग्लिश क्राउड की गालियों की बौछार भी तेज होती जा रही थी। और इसी बीच 210 के स्कोर पर पीटर सिडल भी आउट हो गए, जिसके बाद स्मिथ के ऊपर दबाव और बढ़ गया। सिडल के आउट होने के बाद आखिरी विकेट के तौर पर नाथन लियोन क्रीज पर आए। लियोन के क्रीज पर आते ही स्मिथ ने अपने आप को गियर अप कर लिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहुंच गए अपने 98 के स्कोर पर। अब सबकी धड़कनें तेज हो गई थी, और तब तक स्मिथ की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने के बाद इंग्लिश क्राउड भी थोड़े शांत हो गए थे। तभी कुछ खास हुआ और स्मिथ के बल्ले से निकला एक शॉट जिसने गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया था, और इसी के साथ स्मिथ अपना शतक भी पूरा कर चुके थे। ये शायद बाकियों के लिए बस एक 100 का आंकड़ा रहा हो, पर स्मिथ के लिए यह शतक किसी प्रायश्चित से कम नहीं था। प्रायश्चित उस गलती का जिसकी वजह से उनके देश और टीम को शर्मिंदा होना पड़ा। प्रायश्चित उस हरकत का
जो उन्हें रातों को ठीक से सोने नहीं देती थी, वो एक साल का बैन, वो आंसू और खुद की काबिलियत पर किए गए शक की कीमत, आखिरकार स्मिथ ने अपनी उस सेंचुरी से चुका दी थी। 122 पर 8 वाले स्कोर को स्टीव स्मिथ ने 284 रनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। पहली इनिंग की उस सेंचुरी की बदौलत अपने खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा हासिल करने के बाद दूसरी पारी में भी शानदार शतक लगाकर स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को दिलाई एक नामुमकिन जीत और बने अपने कमबैक टेस्ट के हीरो। अगले दिन हर तरफ एक ही हेडलाइंस थी, स्टीव स्मिथ इज बैक। स्मिथ का फॉर्म इस पूरी सीरीज में इंग्लैंड के लिए एक सरदर्द साबित हुआ। इस दौरान उन्होंने लगाए 2 शतक और एक दोहरा शतक, जिसकी मदद से 774 रन बनाकर स्मिथ बने टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर। और एसएज, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए जान से भी बढ़कर है, उसे ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर लिया। जहां पहले टेस्ट में ग्राउंड और स्टेडियम में मौजूद हर एक इंसान स्टीव स्मिथ को चीटर बुलाते हुए गालियां दे रहा था, उन्हीं लोगों की वो गालियां स्टीव स्मिथ की जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखने के बाद अब तालियों में बदल चुकी थी। और जो स्टीव स्मिथ टेस्ट शुरू होने से पहले अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए सर झुकाए मैदान में पहुंचे थे, वही स्मिथ अब मैच खत्म होने के बाद एक चैंपियन की तरह गर्व से सर उठाए मैदान से बाहर आ रहे थे। ये थी कहानी उस चैंपियन की, जिसने अपनी गलती को माना और दोबारा लौटकर अपने देश का सर फिर से ऊंचा कर दिया। और जो नंबर वन का स्पॉट वो एक साल पहले खो चुका था, उसे वो स्पॉट उस सीरीज के बाद दोबारा मिल गया और बना एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट का नंबर वन बैट्समैन। स्टीवन पीटर डिविलियर्स स्मिथ उर्फ स्टीव स्मिथ, एक ऐसा क्रिकेटर जिसने अपने बल्ले से सुनाई दुनिया को अपने कमबैक की कहानी।